नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से आग्रह है कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाएं और दीपोत्सव पर्व पर भगवान श्री राम की विजय यात्रा के बाद आज अयोध्या में उनका अभिषेक संपन्न हुआ और दीपावली के पर्व के रूप में इस पर्व को मनाने का जो चलन सनातन संस्कृति से चला आ रहा है उसको हम सब लोग खुशी पूर्वक मनाएं और आतिशबाजी चलाते समय बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखें और पर्यावरण प्रदूषित ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। मेरी आप सभी को हृदय से दीपावली पर की हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मस्त रहें और ये पर्व महालक्ष्मी जी सभी को धन्य धान से परिपूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जिनेंद्र नमस्कार, आप सभी जनपद वासियों को, देशवासियों को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की पुरातन परंपरा है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर जिस तरह से लोगों ने उत्साह से दीपोत्सव मनाया था, उसको पूरा देश आज उत्साह की उमंग के साथ हर वर्ष मनाता है। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग उल्लास के साथ, उमंग के साथ इस पर्व को मनाएं और महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं एक चिकित्सक होने के नाते आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आतिशबाजी या तो ना करें और अगर करते भी हैं तो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल अपने परिवार में वृद्धजनों को, बच्चों को दूर रख के, स्वास्थ्य के मरीजों का ध्यान रख कर के आतिशबाजी करें जिससे पर्यावरण भी दूषित ना हो और किसी मरीज को या किसी की तेज़ आवाज़ से पटाखे जो चलते हैं उनसे लोगों को परेशानी ना हो। आप सभी को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए और मैं जैन धर्मावलंबियों को सो दीपावली के अगले दिन माँ भगवान महावीर जी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रमाकांत तिवारी, न्यू हॉलैंड परिवार तिवारी ट्रैक्टर की ओर से जनपद के सभी किसानों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे सनातन धर्म में और भारत में दीपावली का पर्व विशेष पर्व है और सब पर्वों में महापर्व है ये दीपावली का, खुशहाली का त्यौहार है और अपने आप में बड़ा उत्साह और उमंग रहता है। निश्चित रूप से हम लोगों की समृद्धि और विकास में दीपावली का विशेष महत्व है। इसी के साथ न्यू हॉलैंड तिवारी परिवार की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों को श्रीवास्तव हीरो परिवार की तरफ से दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, आयुर्वेद विंध्याचल जड़ी बूटी चिकित्सा सेवा केंद्र वैद्य सीतु राजा रोणा की तरफ से आप सभी के लिए दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी संजय जैन मोदी बिरदा वालों की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को दीपोत्सव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर और उनकी पूरी टीम की ओर से दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीवास्तव ऑटोमोबाइल्स हीरो एजेंसी की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलंकार ज्वेलर्स शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर की ओर से सभी जनपदवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भगवान आदिनाथ कॉलेज के संचालक प्रदीप जैन की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहलवान गुरुदीन महाविद्यालय के संचालक सौरभ यादव की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू दुबे की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।